नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। बिहार के नए शिक्षा मंत्री व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव की बात कर रहे हैं, मगर इस बीच कटिहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिर्जापुर मनिहारी से एक शिक्षक द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। SLC और अंक पत्र देने के नाम पर छात्र द्वारा गुरुजी पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप को तो शिक्षक खंडन कर रहे हैं, मगर इस आरोप को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर दिख रही है और जांच कराने की बात कह रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला यही है सर कि दो दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं SLC के लिए, लेकिन सर बोल रहे हैं कि अब आ रहे हैं, अब फोन करके हम लोग परेशान हैं, बोल रहे हैं बस 10 मिनट आधा घंटा करके यही तरह दौड़ा रहे हैं कल परसों से यही तरह, लेकिन हम लोग का यही तो दौड़ते दौड़ते कल अंतिम डेट है इंटर का एडमिशन, अब अभी तक SLC हम लोग का नहीं मिला। सर बोल रहे हैं कि बस हम इतने आ रहे हैं, बस स्कूल में ही नहीं पहुंच रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी भी हम लोग आए हैं करीब करीब 1.5-2 हो गया है सर को आने में, तब जाके सर बोले कि हाँ अब आए हैं स्कूल में, पैसा 200 रुपया ले रहे हैं। कटिहार में गुरुजी पर अवैध वसूली का आरोप, समय से विद्यालय नहीं आने के साथ साथ और कई संगीन आरोपों पर गुरुजी आरोपों को तो बेबुनियाद बता रहे हैं, मगर छात्र और स्थानीय प्रतिनिधि के आरोप पर मामला अब तूल पकड़ने लगा है। यह मामला उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिर्जापुर मनिहारी का है। इस मामले में बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अंक पत्र देने के नाम पर शिक्षक द्वारा 200 रुपए SLC के लिए 50 रुपए अंक पत्र देने के नाम पर मांग किया जा रहा है। सुदूर इलाके के विद्यालय के छात्र आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, इसलिए इस अवैध मांग पर जमकर बवाल हुआ है। स्थानीय मुखिया तक बात पहुंचने पर जांच के बाद स्थानीय मुखिया सभी आरोप को सही मानते हुए शिक्षक से अवैध वसूली रोकने की बात कह रहे हैं। हालांकि शिक्षक इस पर अपनी सफाई देते हुए आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। मध्य विद्यालय मिर्जापुर के जो HM हैं अजय कुमार यादव जी के द्वारा बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए नामांकन का तिथि कल खत्म हो जाने वाली है और जो है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है देना था बच्चों को नहीं दे रहे हैं, 200 रुपया मांग रहे हैं और बिल्कुल मनमानी कार्य करते हैं। मैं स्वयं इस पंचायत के मुखिया हूँ, मैं भी फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाते हैं और बच्चों से 200-300 रुपया वह मांगते हैं। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूं, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, मैं यही चाहता हूं। और वह स्कूल समय पर आते नहीं हैं, जब स्कूल के HM ही गायब रहेंगे तो और स्कूल का भविष्य क्या होगा। कौन सा आरोप है? पैसा लेते हैं आप? कोई पैसा नहीं है, लोगों को कहना है किसी से लिए ही नहीं और बच्चा को दिए हैं, बुला के पूछ लीजिए। सभी बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं बच्चा भी दिए हैं 2-4-5 को, आप बुलाइए पूछे को रुपया दे गया, बगल में भी दिए हैं। समय पर विद्यालय न आने के कारण मेरा पैर टूटा हुआ है। पहली परेशानी ये थी बच्चा का मोहर लेके हम थोड़ा हमको फोन आने लगा, हम समय से आते हैं लेकिन आज हमारा विलम्ब हुआ है कुछ कारण, बस पैर के परेशानी लेके बहुत हमको दिक्कत हो जाता है। कौन करता है जनप्रतिनिधि का? हम वैल्यू नहीं देते हैं। हो सकता है उस समय हम बाइक चला रहे हों, BO साहब का फोन आया, बगल में ये सचिव है इनका, जब भी फोन आया हम उठाएं। एक सिर्फ मुखिया जी का हम फोन किया, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है मुखिया जी से, हो सकता हम बाइक चला रहे हो। क्या नाम है सर? अजय कुमार। वहीं शिक्षा विभाग छात्र और स्थानीय प्रतिनिधियों के इस आरोप को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले पर जांच की बात कह रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा, इस बारे में उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। संज्ञान में ऐसी बातें आई है, कल वहां के कुछ लोगों ने बताया है, अभी आप भी बता रहे हैं इस तरह की बातों को, तो इसको एक जांच करवा लेते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना जो है हमारे, उनको मैं जाँच दे देता हूँ, जाँच करवा लेता हूँ, स्थानीय जाँच करवा लेता हूँ। Thank you.
दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।